डिस्टिंग्विश फ्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड कोअर्सिविटी। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज मटीरियल्स, इनके एग्जाम्पल बताना है और हर एक की प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी, और तीसरा है कोअर्सिविटी। सो टेबल से बनाकर लिख लेंगे, डायमैग्नेटिक के लिए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ससेप्टिबिलिटी और काई। डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव, दैट मींस लेस देन जीरो, बिकॉज इनमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो कम हो जाता है इसीलिए। और पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल डेवलप होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो ग्रेटर देन जीरो। इनमें भी सेम डायरेक्शन में डेवलप होता है लेकिन हाई डेवलप होता है, इसीलिए वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो। मतलब पैरामैग्नेटिक के रेस्पेक्ट में जो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो काफी लार्ज होती है। इसके बाद रिलेटिव परमिबिलिटी, म्यू आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर ये निगेटिव है तो म्यू आर एक से कम, तो डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू एक से कम होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए वन में कुछ जोड़ेंगे, प्लस है तो वन प्लस समथिंग, तो एक से ग्रेटर होगी लेकिन कम होगी, इसके लिए एक से ग्रेटर। और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्योंकि एक्स एम काफी लार्ज है तो इसलिए एक से लार्ज तो होगी लेकिन वेरी वेरी लार्ज, सो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। इसके बाद कोएसिविटी, फेरोमैग्नेटिक के लिए कोएर्सिविटी पॉजिटिव होती है, हाई होती है, और इनके लिए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए जीरो। अब इसका मतलब क्या है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसको जीरो करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, दैट मीन्स कोएर्सिव फोर्स भी बोल देते हैं। अब जो फेरोमैग्नेटिक मेटल है उनमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद वो काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए उनकी कोअर्सिविटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन डायमैग्नेटिक मेटल्स और पैरामैग्नेटिक मेटल्स के लिए जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव करते हो तो उनके अंदर कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहता, मतलब तुरंत डीमैग्नेटाइज होते हैं। इसका मतलब उनको डीमैग्नेटाइज कराने के लिए कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों के लिए कोअर्सिविटी जीरो और इसके लिए हाई। फिर एग्जाम्पल, डायमैग्नेटिक के लिए आप याद कर सकते हो गोल्ड, पैरामैग्नेटिक के लिए आप देख सकते हो प्लेटिनम और इसके लिए कोबाल्ट, आयरन, निकल, ये सब।